चलिए भाई स्टार्ट है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, सीडीपी की क्लास चल रही है आपके लिए, और सीडीपी की ये जो क्लास है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। बाकी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिएगा भाई, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के सहयोगात्मक अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम को बोलते हैं मेरे भाई कोऑपरेटिव लर्निंग में सहयोग करने, समूह कार्य करने में और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बात तो ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम की जो बात की गई है लेब बैगोस्की के द्वारा की गई है, इन्होंने कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात की गई है, कोऑपरेटिव लर्निंग की इन्होंने बात की है, और ये बिल्कुल सही है। और इसमें सहयोग करने और समूह कार्य करने के करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो ए गलत है, ये तो गलत ही हो गया, फोर्थ वाला आपको देखने की जरूरत ही नहीं थी, कहीं ना कहीं 33% पे तो आप आ गए। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। बात ठीक लग रही है, सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए, ठीक लग रहा है, तो ए और आर सही है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए सहयोगात्मक अधिगम है और यहाँ सामाजिक की बात की गई है तो सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए फॉर आओ कभी हवेली पर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। किसको? सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। तो व्यवहार अनुकूल ठीक है, सहपाठी सहभागिता भी ठीक है, अन्वेषण अधिगम भी ठीक है, पारस्परिक शिक्षण भी ठीक है। भाई आंसर क्या होगा इसके हिसाब से? तो व्यवहार अनुकूलन होना चाहिए, क्योंकि सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता है शिक्षण अधिगम। कौन सी विधि? क्वेश्चन नंबर 21 होना चाहिए भाई। चलिए तो इसका जो विकल्प राइट आंसर दे रखा है वो क्या दे रखा है? फर्स्ट दे रखा है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं तो निष्क्रिय अनुकरण से कभी नहीं सीखेंगे, पुरस्कार दंड से नहीं, कंठस्थीकरण से भी नहीं, जिज्ञासा और अन्वेषण से क्या करते हैं विद्यार्थी? बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यूरियोसिटी होना बच्चों के अंतर्गत बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? क्या है? बाधक है। तो अनुरूपक चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता नहीं होनी चाहिए, स्थिरता बाधक बन सकती है, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतीकरण ये भी ठीक है, प्रासंगिक सूचनाओं को केंद्रित करना ठीक है, तो स्थिरता नहीं होनी चाहिए, जो कि बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? स्थिरता होगी तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विद्यार्थियों द्वारा गृहित वैकल्पिक अवधारणाएं, ऐसा तो नहीं कहीं आधा क्वेश्चन ऊपर रह गया हो? नहीं, विद्यार्थियों द्वारा गृहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? तो वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए, विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आप अनुमति नहीं दोगे, आप कौन होते हो भाई? विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात कही गई है। विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड नहीं मिलना चाहिए। भाई वैकल्पिक अवधारणाओं का मतलब हो गया, समझ रहे हो? वैकल्पिक अवधारणाओं का मतलब हो गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चे क्या सोच रहे हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, अपने अपने कॉन्सेप्ट किसी चीज के बारे में दे रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के अंतर्गत बच्चा बोल रहा है कि सर टाइल्स जो होती है, एक बच्चा बोल रहा है टाइल्स जो होती है वो रेक्टेंगल का रूप होती है, दूसरा बच्चा भी बोल रहा है कि सर जो ईंट होती है वो रेक्टेंगल का रूप होती है, मतलब तरह तरह की बातें वहां पर देखने को मिल रही है। तो बच्चों को अवसर मिलने चाहिए कहीं ना कहीं और चर्चा होनी चाहिए इन सभी पर, तो आपका सी इज द राइट आंसर, पढ़ने की जरूरत नहीं थी, यही आपका सही होगा।
क्लियर है, ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं था क्योंकि आंसर आपको सीधा सीधा मिल गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? देखिए दो प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, दो प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, दूसरा होता है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है, लंबे समय के लिए नहीं होता, और इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो एक लंबे समय के लिए होता है। क्लियर है? तो जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समझ को समन्वित करने के लिए अधिगम, नकद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, जो पुरस्कार वगैरह होते हैं, दंड वगैरह होते हैं, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का पार्ट होते हैं। सी इज द राइट आंसर। इंटरनल मोटिवेशन बच्चे के अंदर खुद से आता है, चिंतन से आता है, मनन से आता है, जब बच्चा स्वयं तरीके से सोचता है तब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता की कमी को उत्तरदायी ठहराती है। साइमा क्या बोलती है कि मेरी जो असफलता है उसके लिए किसको? योग्यता की कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। वो बोलती है देखिए मेरे अंदर जो कमी है ना, मेरी जो असफलता है वो क्या है, योग्यता की कमी है, योग्यता की कमी है, और वो मानती है कि ये जो चीज है वो स्थिर है, ये न बदलेगी। क्लियर? बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना को विकास करेगा? तो असहायता से सीखा हुआ भाव, गर्भ, आशा या जिज्ञासा। जिज्ञासा तो नहीं होगी, गर्भ भी नहीं है, आशा नहीं होगी, एक ही वो विकल्प बचता है। बी इज द राइट आंसर, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए भाई, तो असहायता का सीखा हुआ जो भाव है वो उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किसे किस युक्ति को से बचना चाहेंगे? आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, याद करवाना चाहते हैं मेरे भाई, याद करवाना, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति को से बचना चाहेंगे? आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, गलत है भाई, उनके पूर्व ज्ञान से संबद्धता जोड़ेंगे, ज्ञान की वास्तविक जीवन की समस्याओं से लागू करने के अवसर देंगे, उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ये तो सारी सारी चीजें अलग हो गई भाई, ये तो बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन एक ही गलत है। गलत है इसी वजह से सही है क्योंकि आपको कंठस्थीकरण की बात की गई है, याद करने की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन क्वेश्चन है ये, इसके बाद एक और है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक, अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आनुवंशिकता। जो जीन्स होते हैं उनके द्वारा ये व्यक्तिगत कारक है, प्रत्येक बच्चे का अलग अलग होता है, ठीक है, और अलग अलग तरीके से ये प्रभावित करता है। और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए, एक मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। यह है 2/7 + 7/2 = इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कौन देता है। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? तो अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ से नहीं, निराशा की भावना से हाँ जी हो सकता है, विद्यालय में मुद्रित समृद्ध परिवेश नहीं, विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए जा रहे अनुदेशन नहीं। तो सेकंड होना चाहिए भाई, 30 का सेकंड ही सही है, और बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरे भाई? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक छोटी सी इमोजी मुस्कुराते हुए हमारे पास भी भेजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी लगे आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से खुश होकर अपनी तैयारी को कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये CDP की जो क्लास है वो आपके लिए कंटिन्यूस है, चलती रहेगी, इसको कभी बंद नहीं किया जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा भाई, आप लोग करते नहीं हो।